हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल कैसर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीमेल पे पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है। जीमेल जो है आपके, उस पे आप जो है पासवर्ड चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिए। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो आपको दिखाते हैं के जीमेल पे जो है पासवर्ड कैसे चेंज किया जाता है। चलिए गाइस, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी जीमेल एप्लीकेशन पे जाना है, जो कि हर एक मोबाइल में अवेलेबल होता है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर जो तीन लाइंस दिख रही है गाइस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन आपको नीचे स्क्रॉल करके सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पे आपको टैप कर देना है। तो गाइस, यहां पर आपकी सारी जीमेल्स आप आ जाएंगी। तो यहां पर आपको उसी को सिलेक्ट करना है जिसका पासवर्ड आपको चेंज करना हो। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा इस पर टैप करने के बाद। तो यहाँ आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पे जाना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरे वाले ऑप्शन पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर टैप करना है गाइस। इस पर टैप करने के बाद देखिए गाइस, यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, इसको टाइम भी लग सकता है, ये सिर्फ आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट स्लो है, फिर भी देखिए यहाँ पर पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको नीचे फॉरगॉट पासवर्ड पे टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद देखिए गाइस, यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पर देखिए आप सिर्फ इसको ओपन कर सकते हैं अपने जो है स्क्रीन लॉक से, या फिंगरप्रिंट से, या स्क्रीन लॉक से, जो भी आपने रखा है आप दे दीजिए। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर यूज़ स्क्रीन लॉक पे आपको क्लिक कर देना है, अगर आपने जो है फिंगरप्रिंट नहीं रखा है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना स्क्रीन लॉक दे देना है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, वो मैंने स्किप किया है। तो गाइज, स्क्रीन लॉक देने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप कुछ पासवर्ड रख सकते हो। यहाँ पर मैं अपना जो है पासवर्ड कुछ रखता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं अपना पासवर्ड रखता हूँ, आप कुछ पासवर्ड रखना चाहते हैं। तो गाइज, यहाँ पर पासवर्ड रखने के बाद नीचे उसको कंफर्म पासवर्ड, वही जो ऊपर आपने पासवर्ड दिया है वही जो है नीचे टैप कर देना है। तो गाइस, इसके बाद नीचे सेव पासवर्ड पे क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो है असली वाला पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको अपना न्यू पासवर्ड रख देना है। गाइस यहाँ पर आप अपना न्यू पासवर्ड रखते हैं, जो भी पासवर्ड आपको रखना है वो यहाँ पर गाइस आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो है अपना नया वाला पासवर्ड दे देता हूँ, आप भी अपना नया वाला पासवर्ड यहाँ पर दे दीजिए जो कि आपको रखना था इस पे। तो नीचे वही आपको कंफर्म कर देना है, वही जो ऊपर आपने पासवर्ड दिया है वही नीचे जो है आपको टाइप कर देना है। तो इसके बाद नीचे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए गाइज, यहाँ पर योर पासवर्ड वॉज चेंज्ड, यहाँ पर देखिए आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू टू योर गूगल अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो थैंक्स गाइज वीडियो को देखने के लिए, और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स लॉट।